अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिशन 2021 के बारे में। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपने इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर किस तरह चेक करना है। इसके साथ साथ हमारे पास जो एडमिशन है वो कौन कौन से प्रोग्राम में ओपन है और इसके साथ में स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी मिल रही है, इसके पास हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है एंड इसका हमारे पास जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। तो आपको इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में तमाम डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आपने अपने गूगल ब्राउज़र को लिखना है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस इस्लामाबाद, तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी मेन वेबसाइट है वो ये हमारे सामने मौजूद है और यहाँ पे हमारे सामने जो इस तरह का डेस्कटॉप अवेलेबल है और यहाँ पे एक साइड पर हमारे पास करंट एडमिशन है, अकेडमिक सेशन वगैरह लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, एंड एडमिशन प्रोसीजर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडमिशन ओपन स्प्रिंग 2022 की, तो हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो हमारे सामने जो है इसका ये फॉर्म शो होता है जिस पे यूनिवर्सिटी के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखी हुई, जहाँ पे मतलब यहाँ पे PhD करवा रहे हैं, ठीक है, इवनिंग प्रोग्राम के लिए। एंड यहाँ पे जो नीचे कॉलेज वगैरह का नाम लिखा हुआ है एंड MPhil जो लोग करवा रहे हैं, ठीक है, इवनिंग प्रोग्राम के लिए, इसकी भी हमारे पास यहाँ पे डिटेल मौजूद है। एंड जो BS प्रोग्राम जो है वो करवा रहे हैं, इसकी डिटेल हमारे पास इस तरफ मौजूद है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नोटिस इन्होंने लगाया हुआ है, मतलब इनका जो NDU GAT का टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे नोटिस हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और इसके जो एडमिशन इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका जो एडमिशन है वो ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एक वैलिड ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक PDF फॉर्म के अंदर आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे जो है आपको एक चलान फॉर्म जनरेट करके उसे पे करना पड़ेगा, जो कि 2000 रुपये का नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है एडमिशन आर ओपन टू फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे उसको जो NDU GAT का टेस्ट होगा उसकी फ़ी हमारे पास यहाँ पे 2000 बताएगी, ठीक है। जो PhD कैंडिडेट के लिए NDU GAT टेस्ट की फ़ी जो 1000 है फॉर MPhil के लिए, ठीक है। और BS का जो एंट्री टेस्ट है, मतलब BS बैचलर का जो हमारे पास एंट्री टेस्ट है उसकी जो फ़ी है वो हमारे पास वो 500 है। और इसकी हमारे पास जो डेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास 17 दिसंबर है एंड उसका GAT होगा MPhil हजरात का, तो वो हमारे पास 1 जनवरी 2022 है। और जो 20 वाला का इंटरव्यू है वहाँ पर तमाम डिटेल दी है, जो कि आप डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने मौजूद है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, मतलब हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है हमसे वो क्या डिमांड करें, तो इस जगह पर आपके पास इसका फीस स्ट्रक्चर मौजूद है, हम इस पर क्लिक करके उसकी फ़ी है वो चेक कर सकते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है तमाम डिपार्टमेंट्स का हमारे पास अवेलेबल है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इसकी एडमिशन प्रोसीजर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका क्राइटेरिया आ जाएगा, और यहाँ पे हम मेरिट डिटर्मिनेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। और एडमिशन प्रोसीजर जो है उस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। जो इसका हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे पास इस जगह पर मौजूद है, इसकी तमाम डिटेल है हर प्रोग्राम की, BS की, MS की एंड PhD की तमाम डिटेल जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सेशन वगैरह लिखा हुआ है और इसका जो मैड किस तरह कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे ग्रेड वगैरह एक्चुअल स्कोर तमाम डिटेल आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसको तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं वो भी इनके पास यहाँ पे मौजूद है डिटेल। और हाउ टू अप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी सेक्शन दी हुई, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो है इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जहाँ से हमने डाउनलोड किया था, सॉरी चेक किया था, ये भी हमारे पास जो है ये देखिए एडमिशन सेशन एडमिशन ओपन स्प्रिंग 2022, हमारे पास यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, तो हमारे सामने जो है इस तरह का जो पेज शो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास सारी की सारी डेट्स लिखी हुई है। दूसरा, अगर आप इसका प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से चेक कर डाउनलोड, उसके बाद यहाँ पे आपको ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, अभी हमारा अकाउंट नहीं बना था, हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखना है, देन हमने यहाँ पे IMR रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा अकाउंट, और यहाँ पे अगर आप इसकी एप्लीकेशन की डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें अप्लाई होगा किस तरह एप्लीकेशन हेल्प, तो आप इस पर एप्लीकेशन हेल्प पर क्लिक करें। और उसके साथ अगर आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जिसको प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे सामने है, तो हमने यहाँ पे सिंपल करना है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो है आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखेंगे, IMR रिपोर्ट करेंगे, देन आप साइन अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन आप
इसके ऊपर जो है साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो है ईमेल पे एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर जो है आपका पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड के थ्रू जो आपने इसके अंदर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसे आपने फिलअप करके इसको अपलोड करना होगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड करना होगा, अपना पर्सनल डाटा वगैरह इसमें आपको लिखना होगा, जैसे आपका नेम हो गया, फोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर, फादर नेम वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो इसकी एप्लीकेशन हेल्पलाइन है, मतलब हाउ टू अप्लाई का तरीका, वो हमारे पास सारे सारे यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ से देखिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरह भी आपने इसमें अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें डेली बेस पर इस तरह की बहुत सी पोस्ट होती हैं जिसमें एडमिशन एंड जॉब्स के बारे में डिटेल होती हैं, तो वो ग्रुप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।